हाय एंड हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मैक्सिकन लीग फुटबॉल का मैच कवर करेंगे और ये फुटबॉल का मैच खेला जाएगा क्लब तिजोना और एफसी जुआरेज के बीच में। तो दोनों टीम में से आज के मैच में कौन सी टीम एक स्ट्रॉन्ग टीम है और कौन सी टीम एक वीक टीम है, इस टॉपिक पर हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि कौन सी टीम इस मैच को विन करेगी और कितना गोल स्कोर करेगी और किन 11 प्लेयर्स को टीम में लेकर चलना है और उन 11 में से किसको कैप्टन और किसको वाइस कैप्टन देना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में स्टेप बाई स्टेप दी जाएंगी, आप वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ दोस्त, आज के मैच में है ऐसे प्लेयर्स जिनका सलेक्शन काफ़ी लेस है और रिकॉर्ड वाइज वो प्लेयर काफ़ी शानदार। अब उन प्लेयर्स को किस रणनीति के अनुसार हमें अपनी ग्रैंड लीग की और स्मॉल लीग टीम में लेकर चलना, वो सारी रणनीति मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, आप वीडियो को ध्यान से देखना। उससे पहले हम इन दोनों टीम के हेड टू हेड मैचेस पर नजर डालेंगे और वहां से ये पता करेंगे कि जब ये दोनों टीम आपस में खेलती है तो किस टीम के पास मैच को विन करने का चांसेस हाई रहते हैं। तो चलिए पहले हम इसी टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इन दोनों टीम के बीच में लास्ट 6 हेड टू हेड मैच खेले गए हैं और 6 में से 2 मैच क्लब तिजोना ने विन करे हैं और 2 मैच इस टीम के सामने ड्रॉ भी खेले हैं और 2 मैच में लॉस का सामना भी किया है। अटैक वाइज 0.7 गोल पर मैच स्कोर किया, डिफेंस वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया है। कहने का मतलब जब भी दोनों टीमें एक दूसरे के सामने खेलती हैं तो दोनों टीम की तरफ से रिजल्ट 50-50 देखने को मिलता है। अटैकिंग वाइज थोड़ी सी वीक जरूर देखने को मिलती है तिजोना, लेकिन डिफेंस वाइज एवरेज है। अब हम बात करें जो पिछला मैच दोनों टीम के बीच में खेला गया, वो मैच एफसी जुआरेज अपने होम ग्राउंड में इस टीम के सामने 3-0 से विन कर गई थी, लेकिन जो आज का मैच है वो क्लब तिजोना के होम ग्राउंड में है, तो ये थोड़ा सा एडवांटेज है। ओके, लेकिन उससे पिछले दो मैच एक मैच और खेला गया, वो मैच क्लब तिजोना के होम में खेला था लेकिन उस मैच को फिर से जुआरेज ने विन किया था। तो रिसेंट के दो हेड टू हेड मैचेस में जुआरेज का जो परफॉर्मेंस इस टीम के सामने अटैक वाइज भी और डिफेंस वाइज भी काफ़ी शानदार देखने को मिला है। लेकिन उससे पिछले अगर हम देखें तो यहाँ से आप देख सकते हो सभी के सभी मैचेस में तिजोना ने इस टीम के सामने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिया है, या तो मैच को विन करा है या मैच को ड्रॉ किया, लेकिन मैच को लॉस नहीं किया। लेकिन रीसेंट के दो हेड टू हेड मैच जरूर लॉस करे हैं, तो यही चीज़ कहीं ना कहीं नेगेटिविटी लाती है दूसरी टीम के लिए। तो वैसे अगर देखा जाए तो आज के मैच में मैं क्लब तिजोना को बैक कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये मैच इस टीम के होम ग्राउंड में, और होम ग्राउंड में एडवांटेज रहता है मैक्सिकन लीग में, तो इसीलिए मैं थोड़ी सी फेवर एक स्लाइटली फेवरेट टीम मान सकता हूँ यहाँ से क्लब तिजोना को। तो दोस्त, अब हम बात करेंगे इन दोनों टीम का जो रीसेंट फॉर्म है उसके अनुसार ये पता करेंगे कि दोनों टीम का अटैकिंग परफॉर्मेंस कैसा है और डिफेंस को लेकर रिसेंटली कौन सी टीम मजबूत है। तो चलिए अब हम सबसे पहले क्लब तिजोना के रीसेंट फॉर्म को देख लेते हैं। तो गाइस, क्लब तिजोना रीसेंट के 6 मैच खेल चुकी है और 6 मैच में इस टीम ने सिर्फ एक ही मैच में जीत हासिल की, बल्कि एक मैच ड्रॉ भी खेला और 4 मैच में इस टीम ने लॉस का सामना भी किया है। अटैक वाइज 0.5 गोल पर मैच स्कोर है, डिफेंस वाइज 1.3 है। तो फिलहाल के टाइम पर अगर इस टीम का परफॉर्मेंस देखें वो भी काफ़ी डाउन है, ना ही अटैकिंग वाइज अच्छा कर पाई है और डिफेंस वाइज हर मैच में गोल कंसीड किए हैं और अधिकतर मैच इस टीम ने लॉस ही किए हैं। अब आप पिछला मैच देख सकते हो, क्लब लियोन जो कि मैक्सिकन लीग की काफ़ी बेहतरीन टीम है उसके सामने ये टीम हार गई, लेकिन उससे पिछले मुकाबला टोलुका के सामने ये टीम अपने होम ग्राउंड में 2-1 से विन की थी और उससे पिछले मुकाबला पुएबला के सामने ये टीम 3-0 से हार गई लेकिन अवे में था। और एक मैच क्लब तिजोना ने अपने होम ग्राउंड में खेला, वो मैच अटैकिंग ड्रॉ खेला और उससे पिछले दो मैच इस टीम ने खेले, दोनों मैच में इस टीम ने लॉस का सामना किया, दोनों मैच में एक भी गोल स्कोर नहीं किया बल्कि डिफेंस वाइज पर मैच में एक गोल कंसीड किया। तो रिसेंट फॉर्म अगर हम क्लब तिजोना के देखें तो इतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं देखने को मिलता है इस टीम की तरफ से, ना ही अटैक वाइज और ना ही डिफेंस वाइज। थोड़ा सा परफॉर्मेंस तब देखने को अच्छा मिलता है जब ये टीम अपने होम में खेलती है और आज ये मैच अपने होम के ग्राउंड में ही खेलेगी, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी स्लाइटली फेवरेट टीम आप मान सकते हो। ओके, लेकिन हम बात करेंगे अब जो दूसरी टीम है एफसी जुआरेज, उसकी रिसेंट फॉर्म क्या है, तो चलिए देखते हैं। तो एफसी जुआरेज ने रिसेंट के 6 मैच खेले हैं और 6 मैच में से 2 मैच विन करे हैं, 2 मैच ड्रॉ खेले हैं, 2 मैच में लॉस का सामना भी किया। अटैक वाइज 1.2 है, डिफेंस वाइज 1.2 है, मतलब 1.7 और 1.2। तो फिलहाल के टाइम पर इस टीम का जो रिजल्ट है वो मुझे भी 50-50 देखने को मिलता है और आपको भी यहाँ पर यही चीज़ देखने को मिल रही है। अटैकिंग वाइज अच्छा कर लेते हैं लेकिन डिफेंस वाइज ये टीम थोड़ी सी वीक है, गोल कंसीड कर देती है। अब हम बात करें जो पिछला मैच एफसी जुआरेज एटलस के सामने 2-1 से मैच को हार गई, लेकिन उस मैच में इस टीम ने एक गोल स्कोर किया, डिफेंस से 2 गोल कंसीड किए। नकाक्षा के सामने टीम अटैकिंग ड्रॉ के लिए, उसे मुकाबला मजार्टलिन के सामने टीम जरूर जीती लेकिन डिफेंस से वहाँ पर भी गोल
कंसीड किया। पोएबला के सामने ये टीम वन साइडेड हारी है और उसे भी मुकाबला पोमास के सामने 4-1 से विन की है और चिवास गोडालजारा के सामने ये टीम अटैकिंग ड्रॉ के लिए। तो पिछले 6 मैच देखा जाए तो इस टीम का अटैक काफ़ी शानदार देख मिलता है। हर मैच में इस टीम ने गोल स्कोर किया है और डिफेंस वाइज ये थोड़ी सी वीक गोल कंसीड करने का एवरेज भी रखती है। तो कहीं ना कहीं रीसेंट फॉर्म हमें एफसी जुआरेज की काफ़ी शानदार देखने को मिलती है, तो आप इस टीम को भी बैक कर सकते हो। ओके, तो दोस्त अब बात आती है कि अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए, मतलब इस मैच में कितने गोल होने चाहिए और इस मैच को एग्जैक्टली कौन सी टीम जीतनी चाहिए। तो चलिए अब हम इस मैच को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मैच के स्कोर लाइन निकालने से पहले मैं आपको इन तीनों फॉर्मेट को समझाऊंगा और इन तीनों फॉर्मेट में जो टीम फेवरेट रहेगी वो आपके सामने आएगी। तो दोनों टीम को हम पॉइंट टेबल के अनुसार कंपेयर करेंगे और दोनों टीम का हमने हेड टू हेड मैच देखें उसके अनुसार दोनों टीम को कंपेयर करेंगे और दोनों टीम का हमने रीसेंट फॉर्म भी देखा तो दोनों टीम को रीसेंट फॉर्म के अनुसार कंपेयर करेंगे। पहले हम बात करते हैं पॉइंट टेबल में। देखो, एफसी जुआरेज की जो पोजीशन है पॉइंट टेबल में आपको टॉप 5 में देखने को मिलेगी और जो सेकंड टीम है तिजोना, क्लब तिजोना, उसकी जो पोजीशन है इस लीग में आपको कम से कम 12 नंबर की टीम देखने मिलेगी। तो इन दोनों टीम में इतना सारा डिफरेंस है फिलहाल के टाइम पर। और दोनों टीम का हेड टू हेड मैच देखें तो हेड टू हेड मैचेस में रिसेंटली जो परफॉर्मेंस किया है क्लब तिजोना ने वो काफ़ी गंदा किया है, इस टीम के सामने दोनों मैच लॉस किए हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो वैसे बेटर, अच्छा मतलब बेटर परफॉर्मेंस कर पाइए और यहाँ पर जो परफॉर्मेंस रिसेंट के दो हेड टू हेड मैचेस में देखने मिला है वो एफसी जुआरेज की तरफ से बेटर देखने मिला। ओके, अब हम बात करें दोनों टीम का रिसेंट फॉर्म। तो रिसेंटली अगर हमने देखा है कि जो क्लब तिजोना है वो काफ़ी अच्छा नहीं खेल पाई, इस बार ये टीम ना ही अटैकिंग परफॉर्मेंस अच्छा कर पाई ना ही डिफेंस वाइज, और बल्कि इस टीम ने अपना मैच रिसेंटली हारे हैं। और वहीं पर बात करें जुआरेज के बारे में तो रिसेंटली जुआरेज ने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया है, अटैक से भी गोल स्कोर किए हैं और डिफेंस वाइज थोड़ी सी वीक है लेकिन मैच को विन या ड्रॉ खेलती, लेकिन जल्दी से लॉस नहीं करती। अगर हम तीनों फॉर्मेट को इजीली कंपेयर करें तो कंपेरिजन में आपको जुआरेज की जो टीम है वो एक बेटर टीम देखने मिलेगी ऑन पेपर एज कम्पेयर टू तिजोना। ओके, तो यहाँ पर आपको फेवरेट टीम देखने मिलती है जुआरेज, लेकिन होम टीम का एडवांटेज थोड़ा सा रहता है। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में तब याद रखनी तब आप बेस्ट टीम क्रिएट करो। ओके, तो मैं अभी के लिए मान चलता हूँ जुआरेज को फेवरेट, बल्कि मैं दोनों टीम को 50-50 मान चलता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि वो टीम गोल कंसीड कर देगी और ये टीम गोल स्कोर करेगी ही करेगी, लेकिन मैच का रिजल्ट क्या होगा एग्जैक्टली वो कह पाना थोड़ा मुश्किल है। मुझे लग रहा है कि ये मैच एक अटैकिंग ड्रॉ पर ख़त्म होगा, मतलब दोनों तरफ से एक एक गोल इस मैच में आ जाएंगे और ये मैच फिनिश 1-1 ड्रॉ पर हो जाएगा। और यही प्रेडिक्शन मैं मानते हुए अपनी इस मैच की फैंटेसी की टीम बनाऊंगा और टीम में किस किस प्लेयर को लेना है, उनमें से किसको कैप्टन देना, किसको वाइस कैप्टन देना, अब ये सारी जानकारी आपको दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप और प्लेयर के स्टैट्स के अनुसार दी जाएंगी। अब तक जो इन्फॉर्मेशन दी है वो टीम के बारे में और इस मैच में कितने गोल होंगे उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी, क्योंकि हमारे माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि इस मैच का स्कोर लाइन क्या होना चाहिए। तो चलिए अब हम प्लेयर्स के फॉर्मेशन और स्टैट्स पर नज़र डालते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डालेंगे एफसी क्लब तिजोना की पॉसिबल लाइनअप और प्लेयर स्टैट्स पर। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इस मैच की जो फाइनल टीम रहेगी ना वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना इसी वीडियो के टॉप के कमेंट में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। इस मैच में अगर मैं 6 ग्रैंड लीग की टीम भी दूंगा ना तो वो भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगी। और साथ ही में आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि जो वीडियो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दी ना वो इन्फॉर्मेशन आपको पूरे यूट्यूब के किसी एक वीडियो में नहीं मिलेगी, ये मैं आपको ना बोल रहा हूँ। आप चाहे तो इसी मैच की वीडियो को सर्च कर लो यूट्यूब में, इतनी इन्फॉर्मेशन तब भी नहीं मिल पाएगी और इतना बेहतर इजी तरीके से समझाने के लिए आपको कोई नहीं मिलेगा। तो कहना का मतलब आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक भी कर देना। तो चलिए अब हम बात करते हैं सीधे टॉपिक पर, पॉसिबल लाइनअप। तो गाइस, क्लब तिजोना की पॉसिबल लाइनअप आपको इस प्रकार देखने मिलेगी। इस लाइनअप के अनुसार हमें किस किस प्लेयर को लेकर चलना है, उनमें से किसको कैप्टन, किसको वाइस कैप्टन देना, ये सारी जानकारी आपको दी जाएगी। और यहाँ पर हर एक प्लेयर का स्टेट्स मैंने मेंशन किए हैं कि कौन से प्लेयर ने टीम के लिए कितना मैच खेले और कितना मैच में उस टीम के लिए स्टार्ट कर चुका है और कौन सा प्लेयर 90 मिनट खेलता है और कितना गोल करें, कितना असिस्ट किए। बाकी ये चीज़ मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, लेकिन पहले लाइनअप को समझाता हूँ। ये लाइनअप 4-3-3 के फॉर्मेशन से है। बात करें गोल कीपिंग सेक्शन में तो
रोड्रिगोज इस टीम का एज ए गोलकीपर रहेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है एफसी जुआरेज अटैकिंग वाइज हर मैच में गोल करके आ रही है, तो इसका मतलब है कि ये टीम का गोलकीपर टेस्ट होगा आज के मैच में। तो गोलकीपर में हमारे पास ऑप्शन है रोड्रिगोज को ही हम अपनी टीम की फैंटेसी टीम में लेकर चला। ओके, अब हम बात करें इस टीम की तरफ से जो डिफेंडिंग सेक्शन में आपको देखने मिलेंगे डियागो बारबोसा है, जो कि अटैकिंग पोजिशन पर रहता है, काफ़ी ज़्यादा काउंटर अटैक करता है, मतलब चांसेस क्रिएट करता है, इंटरसेप्शन टैकल का पॉइंट दे जाता है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट डिफेंडर आज के मैच में बारबोसा एक इंपॉर्टेंट है, इनको लेकर चला। बलांटा को मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन हेडर में थोड़ा सेट रहूँगा, अगर आप ग्रैंड लीग खेल रहे हो तब आप इनको ट्राई कर सकते हो। गोडिनेज है, इनको भी ये भी सेंटर बैक है लेकिन नहीं लूँगा। और यहाँ से फर्नांडीज है, इस टीम की तरफ से लेफ्ट फुल बैक में खेलेगा, तो मैं इनको भी लेकर नहीं गया हूँ। ओके, तो मैं एक ही डिफेंडर लेकर चला हूँ, वो है बारबोसा। अब हम बात करें सेंट्रल मिडफील्ड के तौर पर जो आपको तीन प्लेयर देख मिलेंगे, एक रिवेरा और यहाँ पर कॉन्ट्रियस और यहाँ पर मैड्रिगल, इन तीन में से अगर आपको एक लेना है या दो लेना है वो आपकी चॉइस। मैं अपनी टीम में रिवेरा को सजेस्ट करूँ क्योंकि ये बिना गोल के पॉइंट अच्छा खासा दे जाता है और टीम के लिए 90 मिनट ऑलमोस्ट खेल लेता है, और मैड्रिगल जो कि थोड़ा सा अटैकिंग पोजिशन पर खेलेगा और बिना गोल के भी पॉइंट दे जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपको लगता है कोई अटैकर फ्लॉप होगा तब हमें एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बिना गोल के पॉइंट दे, तो यहाँ से कॉन्टेरास एक बेटर ऑप्शन है, आप चाहे ट्राई कर सकते हो। लेकिन हम बात करें फॉरवर्ड सेक्शन में, गोंजालेज इस टीम की तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, तो इनको मैं जरूर लेकर चलूँगा। और यहाँ से कास्टानेडा है, मैं ज़्यादा सजेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि 90 मिनट एक खेलते नहीं है, और 90 मिनट नहीं खेलेगा तो वो टीम एक डिफेंसिव मजबूत है तो जल्दी से गोल कंसीड नहीं करने देगी, सेकेंड हाफ में ही गोल आने का चांसेस रहेंगे, उस कंडीशन में इनको ड्रॉप करके चलाऊँ। मार्टिनेज को लेना या नहीं लेना ये आपके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि अभी तक पिछले 8 मैच टीम के लिए खेल चुका है और अभी तक इसने गोल स्कोर आई थिंक नहीं किया है जितना मुझे पता। आप चाहे तो ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं इनको भी लेकर नहीं गया हूँ। सीधी सी बात है, इस टीम की तरफ जो हम प्लेयर पिक करेंगे रोड्रिगोज बारबोसा, ये दो तो हो चुके हैं, और यहाँ से रिवेरा और यहाँ से मैड्रिगल, ये चार प्लेयर हैं। पांचवा प्लेयर मैं टीम में गोंजालेज को लेकर चला हूँ, बाकी सभी प्लेयर्स को किया है मैंने ड्रॉप, वो भी लॉजिक और आपको समझाते क्यों मैंने उनको ड्रॉप किया। हर एक प्लेयर का स्टैट्स है यहाँ पर, आप रीड आउट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूँ, जैसे कि कार्लोस स्पिनोला गोंजालेज, जिसके बारे में मैंने बताया नहीं, ये इस टीम के लिए 8 मैच खेल चुका है और 8 के 8 मैच में उसने स्टार्ट किया है, और जब भी टीम के लिए खेला है कम से कम 80 या 90 मिनट टीम के लिए खेला और 5 गोल कर चुका है। तो ऐसे प्लेयर्स को हम ड्रॉप नहीं करेंगे जो कि 8 मैच में 5 गोल कर चुका है। बाकी यहाँ पर आप मैड्रिगल का रिकॉर्ड देख सकते हो, इस टीम के लिए 7 मैच खेला और 6 मैच में स्टार्ट किया, और जब भी खेला टीम के लिए 90 मिनट खेला 2 गोल कर चुका है। बाकी हर एक प्लेयर का स्टेट्स यहाँ पर आपके सामने मेंशन है, आप इनका रिकॉर्ड का चेकआउट कर सकते हो। आप देख सकते हो इस टीम की तरफ से 2 ही प्लेयर्स ने गोल स्कोर किए, बाकी सभी प्लेयर्स एज ए मतलब आप मानते फालतू में ही खेलते हैं, क्योंकि फालतू में तो नहीं खेलते क्योंकि ये भी चांसेस क्रिएट करते हैं, वो गोल कन्वर्ट नहीं कर पाते, लेकिन ये इंपॉर्टेंट प्लेयर है जिनको मैंने टिक किया है इसलिए मैंने इनको जगह दी है। अब हम बात करते हैं जो सेकंड टीम है, इस टीम की तरफ से हमें मैक्सिमम 5-4 प्लेयर को ले ही लिया है, अब हमें दूसरी टीम से भी प्लेयर को सेलेक्ट करना है। तो चलिए अब हम नज़र डालते हैं एफसी जुआरेज की पॉसिबल लाइनअप और प्लेयर के स्टैट्स पर। तो दोस्त ये एफसी जुआरेज की पॉसिबल लाइनअप है, इस लाइनअप के अनुसार हमें किस किस प्लेयर को लेकर चलना है। देखो अगर आप जुआरेज के फेवर में टीम बना रहे हो तो आप गोलकीपर जुआरेज का टालावेरा को रख सकते हो, या आपको पर डिपेंडर लेना या नहीं लेना, मैं इसको नहीं लूँगा क्योंकि ये टीम अटैकिंग वाइज अच्छा खेलती है तो कहीं ना कहीं उस टीम के गोलकीपर को टेस्ट कर लेगी। अब हम बात करें डिफेंडिंग सेक्शन में, जो आपको 4-4-2 के फॉर्मेशन खेलते नजर आएगी, इस टीम में लेनी रोड्रिगेज है और यहाँ से मास्क्योरा है, गार्शिया है और यहाँ से वुकसेविच, तो ये चारों डिफेंडर इस टीम की तरफ से काफ़ी खतरनाक हैं जो कि जल्दी से गोल कंसीड करने नहीं देते। और मेरा जो पहली चॉइस रहेगी यहाँ से वुकसेविच को तो लेकर चलेंगे, जो कि इस टीम के लिए फुल बैक खेलेगा। 2 सेंटर बैक गार्शिया और मास्क्योरा, जिनका हेडर में थोड़ा सा गोल आने का चांसेस रहते हैं क्योंकि कभी कभी ना हेडर में शॉट लगाते हैं और कभी कभी वो गोल में कन्वर्ट हो पाता है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है। पूरे सीजन में ये टीम के लिए 20-30 मैच खेल लेंगे और इनका गोल आएंगे पूरे सीज़न में सिर्फ 1 या 2। अब वो बात अलग है, आज ही वो गोल कर दे और हम इनको ड्रॉप कर दें, इनका सिलेक्शन हाई हो, तो वो हमारी बदकिस्मती है, लेकिन इनका ऑलमोस्ट टाइम इनका ऐसे ही है, 10-15 पॉइंट आते हैं। ओके, जितना मैं इनको माफ कर चला हूँ, अभी के लिए मैं रोड्रिगोज को पिक कर चला हूँ क्योंकि रोड्रिगोज थोड़ा सा ज़्यादा अटैकिंग पोजीशन चला जाता है, कई बार मैंने देखा है लाइव मैचेस एफसी जुआरेज के, तो उस कंडीशन में इनको अपनी टीम में जगह दूंगा। ओके, तो यहाँ से दो टीम तरफ जो 2 डिफेंडर हैं मैं उन्हीं को लेकर चला हूँ, यहाँ से वुकसेविक और यहाँ से लेनी रोड्रिगोज। अगर आपको एक लेना तो यहाँ से मास्क्योरा को अपनी टीम में जगह दे सकते हो। बाकी हम बात करें जो
चार आपको दो सेंट्रल मिडफील्डर रहेंगे और दो डिफेंसिव मिडफील्डर रहेंगे। तो यहाँ से उर्जी मेरी पहली चॉइस रहेगी, और यहाँ से जो सेंट्रल मिडफील्डर हैं अभी के लिए मैं इनमें से किसी को एक को नहीं लूँगा, लेकिन अगर सजेस्ट करूँगा तो यहाँ से सलास एक बेटर ऑप्शन है जो कि असिस्ट पोटेंशियल हाई है, गोल का मैं ज़्यादा नहीं कहता लेकिन 90 मिनट टीम के लिए खेलता, बिना गोल के पॉइंट अच्छा खासा दे जाता है, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है। अगर आप चावा इसको लेना चाहते तो ले सकते हो, क्यों, क्योंकि ये ना असिस्ट कर सकता है, गोल का चांसेस थोड़े से कम रहेंगे लेकिन ये 90 मिनट खेलेगा भी और गोल टू अटेम्प्ट मतलब ऑन टारगेट भी रखेगा एक दो। तो यहाँ से हर्टाडो ऑब्वियसली इस टीम तरफ से एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है और गार्सिया भी एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, दोनों अटैकिंग पोजीशन में खेलेंगे और दोनों का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे इस मैच में गोल और असिस्ट में कंट्रीब्यूशन रहने के। तो कहने का मतलब दोस्त यही सीधी सी बात है, गार्सिया और यहाँ से हर्टाडो ये दो प्लेयर्स, उर्जी तीसरा प्लेयर, वुसेविक चौथा प्लेयर, पाँचवा प्लेयर हमारे पास रोड्रिगो, छठा प्लेयर हम चावेस को लगेंगे। अगर आपको सलास रखना है तो आप यहाँ सातवें प्लेयर के तौर पे इनको ले सकते हो, बाकी मैं किसी भी प्लेयर को लेकर नहीं गया हूँ। वैसे मैंने सेंटर बैक के बारे में बताया है कि ये पूरे सीजन में एक दो दो गोल करते हैं, वो अगर आज इनका ही गोल आया सलेक्शन हाई हुआ वो बात अलग है, ओके, लेकिन इंपॉर्टेंट जो प्लेयर है वो मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किए हैं, बाकी हर एक प्लेयर का स्टेट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए। जैसे एग्जांपल की मैं बता दूँ एक दो प्लेयर्स का स्टेट्स, जैसे कि एथर गार्सिया इस टीम के लिए 9 मैच खेल चुका है और 9 मैच में इसने स्टार्ट किए हैं, और जब भी टीम के लिए खेला ना ऑलमोस्ट हर मैच में 90 मिनट खेला और 3 गोल कर चुका है। तो यहाँ पर आप हर्टाडो को रिकॉर्ड देख सकते हो, तो इस टीम के लिए 8 मैच में 4 गोल और 2 असिस्ट निकाल चुका है। तो इस तरह आप हर एक प्लेयर का स्टेट्स का स्क्रीनशॉट या रीड आउट कर सकते हो, ओके। तो दोस्त वीडियो पसंद आए तो लाइक तो बनती है, क्योंकि आपके लिए जो इन्फॉर्मेशन दी है ना आई थिंक बेस्ट है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, मुझे नहीं पता किस तरह करना लेकिन आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। तो चलिए अब हम दोनों टीम की पॉसिबल लाइनअप को देखते हुए अपनी टीम में कुल मिला के 11 प्लेयर्स को जगह बना ली है, अब उन्हीं 11 में से हमें किसको कैप्टन देना किसको वाइस कैप्टन देना, तो चलिए इस मैच के पहले फैंटेसी की टीम को ही देख लेते हैं। तो ये मेरी मैक्सिकन लीग की फुटबॉल की टीम है, अब इस मैच में हमें कैप्टन किसको देना है वो मैं आपको बता दूं, मुझे पूरा भरोसा और कॉन्फिडेंस है कि आज हर्टाडो का गोल आएगा ही आएगा, मतलब काफ़ी डेंजरस है जो गोल स्कोर कर देता है, और जो आई थिंक वाइस कैप्टन का ऑप्शन है ना आपके पास आज के मैच में 2 ऑप्शन तो कन्फर्म रहने वाले हैं, इनमें से आपके पास ऑप्शन है उर्जी या गार्सिया, एतर गार्सिया या उर्जी, इनमें से किसी एक को दे सकते हो, लेकिन मैं अपनी टीम में जो वाइस कैप्टन देख चला हूँ वो है उर्जी, तो इनको लिया है मैंने वाइस कैप्टन। अगर आपको हट के लेना मतलब अगर आपको लगता है कि मतलब थोड़ा सा रिस्क चाहिए तो भैया उस कंडीशन में आप गोंजालेज की बेटर ऑप्शन है इस टीम के लिए, ये टॉप हाइस्ट गोल टेकर है तो आप इन्हें भी वाइस कैप्टन बना सकते हो। अभी के लिए मैं एक हाई स्कोरिंग बल्कि बहुत टीम टू स्कोर ये मैच मान के चला हूँ, मतलब दोनों तरफ से गोल आना है, उस कंडीशन में ये टीम काफ़ी शानदार साबित होगी। अगर वन साइडेड गोल गए तो सीधी सी बात ये टीम फ्लॉप भी जा सकती है, जिस टीम को आप फेवर कर रहे हो उसी टीम का आप ज़्यादा डिफेंडर लो, मैं दोनों टीम को बैलेंस मान के चला हूँ तो इसीलिए मैंने एक बैलेंस टीम क्रिएट की है, ओके। जैसे कुछ चेंजेस होंगे लाइनअप आने के बाद मैं इस मैच की फाइनल अपडेट टेलीग्राम चैनल पर अपडेट कर दूंगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है टॉप के कॉमेंट में है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से जुड़ सकते हो। और याद रहे ऑप्शन मैंने जैसे बताया कि हर्टाडो मेरी पहली चॉइस और उर्जी सेकंड में, अब आपके पास ऑप्शन है गोंजालेज और गार्सिया, आप इनमें से भी किसी को वाइस कैप्टन कैप्टन दे सकते हो ग्रैंड लीग या मिनी ग्रैंड लीग के लिए, ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, चैनल को कर दो ना सब्सक्राइब।